दीपक वोहरा जो कि पूर्व राजनयिक है, सर मुझे आपसे भी यही पहलू जानना है कि अब तो जो तस्वीरें आ रही है वो बेहद भयावह तस्वीरें हैं। अब तस्वीरें देखने के बाद लगता है कि ये जो बैठक होने वाली है, दोबारा बैठक की बातचीत चल रही है, हालांकि उसमें भी ये चर्चा है कि अभी यूक्रेन की तरफ से कुछ कहा नहीं गया है बैठक को लेकर, तो अब शांति की संभावना बनती भी है क्या यहाँ पे? आभारी हूँ आपका, आपने ये मौका दिया है मुझे अपने कार्यक्रम में शरीक होने का। मैंने अभी अपने आउटस्टैंडिंग कॉलीग एम्बेसडर अनिल सर, हमारा भी सौभाग्य सुना है जी सर। मैम। शुरू में इतना कहना चाहता हूँ, मैं देश की राजधानी से बहुत दूर हूँ, मैं चिकित्सा के कारण के लिए न्यूयॉर्क में हूँ। इस समय आप देख रही हैं बहुत बर्फ पड़ रही है, तो थोड़ी देर के बाद मेरे डॉक्टर आ रहे हैं, मुझे उनसे बातचीत करनी पड़ेगी। पहली चीज ये है, आपने कहा कि ये भयानक तस्वीरें हैं युद्ध की। मैंने कभी खूबसूरत तस्वीरें नहीं देखी किसी भी युद्ध की। ये जो कॉन्फ्रंटेशन इस समय चल रहा है, ये यूएस और रूस के बीच में है। यूक्रेन तो साइड शो है, कोई नहीं चाहता, कोई नहीं इस बात पर विश्वास करता कि न्यूक्लियर परमाणु जंग छिड़ेगी। दोनों तरफ से कहा जा रहा है, एक कह रहा है मैं लाऊंगा परमाणु हथियार, दूसरा कह रहा है मेरे पास तो है, मैं उनको दाग दूंगा, ये कोई नहीं करने वाला। अभी तक मानव इतिहास में एक बार उनका प्रयोग हुआ था, जापान में, यूरोप में नहीं, याद रखिएगा। उस समय यूरोप का नंबर वन दुश्मन था जर्मनी। जर्मनी पर नहीं फेंका गया क्योंकि वो यूरोप में है, जापान पर फेंके गए थे जो कि एशिया में है, जबकि यूरोप की उस समय कोई समस्या नहीं थी जापान के साथ। अभी आपने जिक्र किया कि जो यूक्रेन के लोग हैं वो नीचे सड़कों पे आ गए हैं और कह रहे हैं इनफ, बहुत हो चुका, उनको तकलीफ हो रही है, रूस के लोगों को भी तकलीफ हो रही है। कल जब मैं जहाज में न्यूयॉर्क आया था तो उतरते ही मैंने क्या देखा है कि एक रशियन रूबल अब एक अमेरिकन सेंट के बराबर है, यानी 100 रूबल होते हैं अमेरिकन डॉलर में। मेरे साथ कुछ अमेरिकन पॉलिटिशियन से, वो सब यही कह रहे थे कि पुतिन बड़ा खराब आदमी है। मैंने उनसे पूछा आप जानते हैं यूक्रेन के बारे में कुछ? बोले नहीं, हमने जो कुछ सीएनएन पे देखा है उसी के मुताबिक हम चल रहे हैं। बोइंग ने भी कुछ कह दिया है कि अब मैं पार्ट्स और मेंटेनेंस नहीं दूंगा। अब आप कह रहे हैं कि दूसरे दौर की बातचीत होगी। अल्टीमेटली मैम ये सोल्यूशन बड़ा साधारण है, मेरे 50 साल से ज्यादा का तजुर्बा है डिप्लोमेसी में। अंग्रेजी में कहावत है कि जंग वॉर इज टू सीरियस अ बिजनेस टू बी लेफ्ट टू द जनरल्स। जो भी जंग हुआ है, पहला विश्व युद्ध, दूसरा विश्व युद्ध, इराक का जंग हुआ, जो जितनी भी लड़ाइयां हुई हैं सीरिया में, ये अल्टीमेटली हम लोग टेबल पर बैठ के समझौता करते हैं। सबसे पहली चीज अब जो बातचीत होगी, क्योंकि दोनों तरफ की जनता को बहुत तकलीफ हो रही है, अब युद्ध विराम होगा, उसके बाद बातचीत होगी कि भाई नेटो को नहीं आना है तो ये करते हैं, ये करते हैं, ये करते हैं, और उसके बाद अंतिम फैसला होगा। तकलीफ आपने बिल्कुल सही कहा, यूक्रेन के लोगों को हो रही है और रूस के लोगों को। मैं जहां न्यूयॉर्क में बैठा हूं किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता, इसीलिए युद्ध विराम, उसके बाद नेगोशिएशन। इस स्टेज में आप देखेंगे आने वाले दिनों में बातचीत चलेगी, और ये न्यूक्लियर वॉर का तो सोचना भी पाप है। बिल्कुल, लेकिन ये 3-3 दफा धमकी दी जा चुकी है। इसी सवाल के साथ मैं जाऊंगी अगले मेहमान के पास भी, लेकिन इस बीच एक बार हम फिर चाहेंगे कि टीवी स्क्रीन के जरिए हम तस्वीरें बार बार दिखाते रहें अपने दर्शकों को, कि जो हम कल से लगातार कह रहे हैं कि आने वाला 48 घंटा जिसमें से 24 घंटा गुजर चुका है वो कितना खौफनाक है, और वो तस्वीरें बताने के लिए काफी आज सुबह की शुरुआत ही हुई है ऐसी तस्वीरों से। पहली तस्वीर खार्किव पूरी तरीके से तबाह करने की कोशिश, और बहुत हद तक रूसी सैनिक जो है उनको कामयाबी हाथ लगी। पुलिस मुख्यालय तबाह चुका है पूरी तरीके से, उसकी तस्वीरें। ऑयल टैंक जलकर खाक, बाजार में धमाका, मेडिकल सेंटर पे अटैक, यानी कोई ऐसा इलाका नहीं है जहां पे ये धमाके, ये मिसाइलें ना दागी गई हो। मेजर जनरल एजीबी जैनी सर, ये तस्वीरें यकीनन आप भी देख रहे होंगे, अभी नहीं देख रहे होंगे तो इससे पहले भी देखा होगा। अब इसके बाद अगर टेबल टॉक हो तो क्या यूक्रेन शर्तों को मान जाएगा जिसने 7 दिन में 7,000 जख्म झेले हो? रीमा, उनको मानना चाहिए और अकलमंदी इसी बात में है। वोहरा साहब की बात से सहमत हूं, और जो पहले भी एम्बेसडर साहब ने कहा बात, वो मैं उससे सहमत हूं कि टॉक्स इज द ओनली आंसर, वॉर इज अ वेरी सीरियस बिजनेस टू बी लेफ्ट टू जनरल्स। सही कहा, मैं एक जनरल हूं लेकिन मैं उस बात को मंजूर करता हूं, क्योंकि अगर जनरल्स के हिसाब से छोड़ दिया गया तो ये लड़ाई फिर कभी खत्म नहीं होगी। इसमें पॉलिटिक्स का नेशनल इंटरेस्ट की जरूरत है। इसमें जो आप तस्वीरें की बात हो रही है, बिल्डिंग 200 साल पुरानी बिल्डिंग है, रेलिक बिल्डिंग है ये यूक्रेन में। मुझे सौभाग्य मिल चुका है, कई दशक पहले मैं गया था यूक्रेन, इतनी नेशनलिस्ट कंट्री है, इतने पढ़े लिखे लोग हैं, इतनी डेवलप्ड कंट्री है एग्रीकल्चर में, इंडस्ट्री में, उसका सत्यानाश हो रहा है। इस वजह से
सिर्फ ज़ेलेंस्की की जिद की वजह से। आप देखिए लड़ाइयां जो होती है ये जिद की वजह से होती है। आप किसी जिद पे आ गए, पहले बोला कि हम टॉक्स करेंगे बिना प्री कंडीशन के, उसके बाद ये आपने फटाफट 3 पर कंडीशन लगा दी कि रशियंस को बोलो कि अपनी जान बचा के भाग ले, रशियंस को बोलो वापस जाए, और शाम तक ये बोलने लगे कि अब मुझको ईयू का मेंबर तुरंत बना लो अभी तत्काल में। भाई ऐसे नहीं होता है। आप पहले टॉक्स पे आइए, सबसे पहले सीज फायर, मेन रिक्वायरमेंट इज सीज फायर, ताकि कि ये तबाही बचे, उसके बाद में फिर आगे बढ़ा जाएगा। क्योंकि मेन प्रॉब्लम और कुछ नहीं है, मेन प्रॉब्लम है नेटो की। नेटो रशिया चाहता है कि भाई ये नहीं जाए नेटो में, और रशिया कोई नई बात नहीं मांग रहा है। रीमा आप देखें कि जब सोवियत यूनियन टूटा था, उसके जब 14 देश सब अलग अलग हुए थे, तो उस समय एग्री हुआ था, हेलसिंकी एग्रीमेंट में एग्री हुआ था कि हम नेटो को आगे नहीं बढ़ाएंगे। लेकिन आप 98 से लेके अब तक देखें, 13 देश, लेटविया, एस्टोनिया, क्रोशिया, कितने मैं नाम ले सकता हूं, जो कि के साल ब साल इन्होंने नेटो में शामिल करते चले गए, और बार बार पुतिन पूछता रहा बस करो क्यों हो रहा है। बोला हमने थोड़ी लिख के दिया था आपको। आप देखें कि उसके बाद में 2014 में जब इसने क्रीमिया को कैप्चर किया, मिन्स्क एग्रीमेंट हुआ, मिन्स्क एग्रीमेंट में वेस्टर्न पावर ने एग्री किया कि हम नेटो को आगे नहीं बढ़ाएंगे। सर मैं आपके पास आती हूँ इस वक्त, एक बड़ी खबर हम अपने दर्शकों को जरा अपडेट कर दें। रूस का खेरसोन पर कब्जे का दावा, आज खेरसोन वो इलाका जिस पे पूरे कब्जे का दावा कर चुका है रूस। यूक्रेन के खेरसोन पर रूस का कब्जा पूरी तरीके से हो चुका है, और अगला टारगेट है खार्किव और क्यू। लेकिन आज जो उसको सफलता हाथ लगी है रूसी सैनिकों को, वो सफलता ये कि खेरसोन जहाँ पे एक के बाद एक मिसाइलें दागी गई, वो इलाका पूरी तरीके से उसके कब्जे में आ चुका है। इस वक्त ये बड़ी खबर हम अपने दर्शकों को अपडेट कर रहे हैं, और तस्वीरें एक एक करके कि अभी तक तबाही में क्या क्या तबाह हुआ। और जैसा कि एजीबी जैनी सर इस वक्त बता भी रहे थे कि एक ऐसा देश, एक ऐसी मुल्क जिसकी पहचान ही उनके लोगों से, पढ़े लिखे लोगों से, उसके एग्रीकल्चर से, लेकिन अब उसकी जो हालत हो चुकी है वो दुनिया के सामने है। उत्कर्ष राठौर इस वक्त रक्षा विशेषज्ञ हमारे साथ जुड़ रहे हैं। राठौर सर, मुझे आपके पास आऊं उससे पहले जरा एक बार फिर दर्शकों को 10 तस्वीरें दिखाऊं, ये युद्ध की 10 तस्वीरें हैं। एक एक करके मैं बताती हूं कि क्या बचा है इस देश के पास, सब इस देश के शहरों के पास क्या क्या बचा है। आप देखिए, रेलवे स्टेशन पे हमला, बाजार में ब्लास्ट, पुलिस मुख्यालय दबा, मिसाइल अटैक अलग अलग इलाकों में, रहायशी इलाकों में ऑयल टैंक खाक, टीवी टावर तक पे हमला, रूसी गाड़ियों को हालांकि इस बीच रोका गया, किसके तरफ से, यूक्रेनियों की तरफ से ड्रोन से हमला किया गया, खौफ में खेरसोन अपार्टमेंट पर हमला। ये युद्ध की 10 नहीं इससे ज्यादा भी तस्वीरें हैं जो कि पूरे प्रोग्राम के जरिए हम आपको